हेलो फ्रेंड, नीलम लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम इन दो कलर से पोंचो बनाएंगे छोटे बेबी के लिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इसको। कैसे बनाएंगे हम? पहले वाइट कलर से हम कैप बनाएंगे। ये हम 2.5 mm का मैंने क्रोशिया ले रखा है। अब हम 40 चेन बनाएंगे, 40 चेन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 34, 35, 36, 37, 38, 39, अरे 40। अब दो चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे, 42। अब देखिए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 40 बार बनाएंगे इसको। सभी चेन में ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट तक। ये देखिए फ्रेंड, ये लास्ट वाले फंदे में हम यहाँ पे 6 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पांच, अरे 6। अब फिर से हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। फोर्टी फंदों पे हम इन 40 फंदों पे हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हम पहले से बनाते आए हैं वैसे ही आगे तक इस तरह से बनाते जाएंगे लास्ट तक। ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से कैप हमारी बनती जाएगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा बन के तैयार हो गया है, इतना सा। वैसे ही बनती जाएगी आगे। देखिए, जितना आपके बेबी का सिर है उससे नाप के 4 हेड तक आप इसको नाप लीजिए। जहाँ तक, जब तक ये 4 हेड तक नहीं पहुँचती तब तक आप बनाते जाइए इस तरह से। अब यहाँ पे हम 3 फंदे बनाएंगे, 2, 3। अब यहाँ से हम पीछे मुड़ जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। हर बार इस साइड से ऐसे ही मुड़ेंगे और सेकंड वाले पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसको बनाते जाएंगे आगे तक, इस तरह से बनाते जाइए और आपकी कैप ये बनती जाएगी। ये कैप मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको आगे हमने किस तरह से बनाना है। इस तरह से नाप लीजिए आप अपने बेबी का। ये देखिए, इतनी सी बनी है अभी हमारी कैप, और आगे तक यहाँ तक ऐसे इतनी तो बनेगी अभी। ये यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी मैं आगे हमने किस तरह से बनानी है ये कैप। कर लेते हैं पहले कंप्लीट। ये देखिए, आगे वाली सिलाई यहाँ से सीधा आएंगे हम यहाँ तक, यहाँ से फिर हम पीछे मुड़ जाएंगे। यहाँ से आगे हमने नहीं बनाना है, ये हमारा, ये देखिए, इस तरह से सीधा आना चाहिए। तो फिर बाद में मिलते हैं फ्रेंड, ये बना लेती हूँ मैं। फ्रेंड, ये देखिए हमारी कैप बन चुकी है। ये देखिए, मैंने 15 बार बनाया है ऐसे, 1, 2, 3, 4,
डबल क्रोशिया 15 बार बनाया हुआ है ये। इस तरह से हमारी कैप आएगी, ये हमारा माथे की साइड आएगा और ये पीछे बैक साइड आएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे अब, और नीचे इसके नीचे यहाँ पे अब आगे वाला पोर्शन बनाएंगे। ये देखिए 3, 4, 5, 6 चेन बनाएंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ये आप उल्टा सीधा देख लीजिए, जहाँ आपकी कैप है मेरी सीधी साइड है, सीधी साइड से मैं इसको यहाँ जॉइंट कर रही हूँ। और इसके बाद हम ये हमारा मुंह की साइड हो गई और ये हमारा गले की साइड हो गई, तो हमने इस साइड को मुड़ना है, जो हमारा गले का साइड है उस साइड को इस तरह से मुड़ना है हमने, और इस वाली साइड पे यहाँ पे 3 क्रोशिया बनाने हैं हमने। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इससे आगे यहाँ पे ये देखिए, एक इस वाले पे, एक अगले वाले पे, सब पे हमने अब 3 3 क्रोशिया बनाने हैं। दो, तीन, फिर आगे वाले पे 3 क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, और तीन। इस तरह से हम जहाँ हमारा ये जॉइंट है देखिए, यहाँ पर, यहाँ तक हम 3 क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ तक बना लेती हूँ मैं, फिर इसके बाद आगे दिखाऊंगी आगे क्या करना है। यहाँ तक बना लेती हूँ मैं 3 3 क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड, ये हम यहाँ पे जॉइंट पे पहुँच गए, दोनों के बीच वाला साइड है ये। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है, हमने 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, दो, और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक, दो जाली बनाएंगे यहाँ पे, मतलब दो बनाए हमने, फिर आगे वाले पे 3 फिर बनाएंगे, एक, दो, तीन। यहाँ से हमारे ये डिजाइन बनता जाएगा फिर आगे को, इस तरह से कोने वाला ऐसे आएगा फिर। इसी तरह से हमने लास्ट तक फिर से 3 3 ही डबल क्रोशिया बनाते जाना है, एक, दो, तीन। अब ये देखिए फ्रेंड, जहाँ हमने 6 चेन बनाई है यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले 3 क्रोशिया बनाने हैं, एक, दो, और एक, तीन, फिर 3 क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, और एक, तीन, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर जैसे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया इस साइड बनाए, 6 ही 2 चेन के बाद 6 इस साइड बनाएंगे, 2 3 4 5 और 6। अब 6 के बाद इसको हमने यहाँ पे जॉइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से आएगा हमारा। अब इसके बाद हम देखिए थोड़ा यहाँ से इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हमारा डिजाइन एक यहाँ पे बढ़ता जाएगा और इस वाले कोने से ऐसे आगे को भी बढ़ता जाएगा। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे, जो मैं इस वाले कलर को हम यहाँ से ही कट कर देंगे। एक, दो, तीन, 3 के बाद यहाँ पे फिर से हम 3
डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और तीन, अब फिर से हम तीन के बाद यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पे हमने दो चेन बनाई है, दो तीन। अब फिर से हम यहाँ पे दो चेन बनाएंगे, ये दो चेन सिर्फ यहीं पे बनानी है हमने, बाकी कहीं भी दो चेन नहीं बनानी है, एक इस वाली साइड पे और एक बैक साइड पे, इन दो ही जगहों पे हमने दो चार चेन बनानी है, बाकी कहीं भी नहीं। एक यहाँ फ्रंट में मैंने बताया और एक ये बैक पे यहाँ पे बनाई है वहाँ पे, और बाकी हम ये तीन तीन चेन ही बनाते जाएंगे। देखिए जहाँ पे हमारी ये चेन ख़त्म होती है तीन के बाद, वहीं पे हमने इसको तीन चेन बनानी है, तीन हो गई। अब देखिए तीन है, तीन के सेंटर में यहाँ पे हमने तीन चेन बनानी है। ये यहाँ तक बैक तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे मैं दिखाऊंगी आगे हमने किस तरह से ये बनानी है। अब देखिए फ्रेंड बैक साइड पे हम पहुंच गए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे फिर से पहले तीन बनाने डबल क्रोशिया, एक दो और तीन, फिर दो चेन बनाने हैं और फिर इसी जगह पे हमने तीन डबल क्रोशिया बनाने, एक दो और तीसरा। देखिए इस तरह से बनता हुआ आएगा ये। इसके बाद फिर से हमने वैसे ही तीन तीन डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। ये हमने जॉइंट कर दिया, अब यहाँ से हम दोबारा इसको बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ तक लेके जाएंगे इसको। देखिए अब यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे और फिर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो और तीन, तीन तीन डबल क्रोशिया हम इसको बनाते जाएंगे। देखिए अब इसके बाद फिर से हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो और तीन। ये आगे वाली फ्रंट वाली साइड है, तो यहाँ फिर हमने दो